Hi everyone, this is Yukti Bilwal and welcome to my channel where I give information about studying MBBS abroad. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टाइम टू टाइम वी कीप अपडेटिंग यू अबाउट द न्यू थिंग्स अबाउट द इश्यूज अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड अबाउट द बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग विच कैन हेल्प यू टेक अ डिसीजन अबाउट स्टडिंग MBBS. आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक इशू के बारे में है जो आर्मेनिया में पढ़ रहे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है. आप जानते हैं कि रिसेंटली इंडियन एम्बेसी जो आर्मेनिया में है उन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ पे बच्चे ना आए पढ़ने के लिए. उस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट थेरेसा मेडिकल यूनिवर्सिटी. अब ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि इंडियन एम्बेसी को इस यूनिवर्सिटी को बैन करना पड़ा या इसके लिए अलग से एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी. तो बेसिकली इस पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़े से डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था एक्चुअल में. बेसिकली देखिए, जो यूनिवर्सिटी थी वो ऑलरेडी वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, बट इट वाज नॉन फंक्शनल यूनिवर्सिटी, इट वाज नॉट ऑपरेटिंग. ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हर कंट्री में जो फंक्शनल नहीं होती है या बंद हो गई होती है या फॉर सम टाइम इट्स नॉट वर्किंग. ऐसी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट यूनिवर्सिटी को रीस्टार्ट किया जाए और स्पेशली इंडियंस या फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो MBBS पढ़ना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं जो सस्ती हो और कम ड्यूरेशन में उन्हें डिग्री देते. तो इसी इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए ये यूनिवर्सिटी शुरू की गई एंड चाहा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा बड़ा आसान है इंडियंस के लिए, तो उस चीज़ को लेते हुए बच्चों को वहाँ पे ले जाया गया. ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स थे जो ट्रांसफ़र को की तरफ देखते कि उन्हें ट्रांसफ़र हो जाए 5 ईयर्स यूनिवर्सिटी में, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी के पास एक 5 ईयर्स का अप्रूव्ड प्रोग्राम था. सब कुछ सही चल रहा था लेकिन वहाँ पे मिसिंग थी फैकल्टीज़, प्रॉपर फैकल्टीज़ नहीं अवेलेबल थी, ना तो एनाटॉमी लैब थी ना किसी तरह की लेबोरेटरी थी. बच्चे वहाँ जाते थे और अटेंडेंस लगा के आ जाते थे इस होप में कि उन्हें एट दी एंड उन्हें डिग्री मिल जाएगी. जॉर्जिया और आर्मेनिया में आपस में जो कैपिटल्स की दूरी है वो करीब 200 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर कंट्री का कंपैरिजन किया जाए तो कंट्री में बहुत फ़र्क आ जाता है. करेंसी की बात देखें तो करेंसी भी इंडिया और जॉर्जिया और इंडिया और आर्मेनिया में बहुत फ़र्क है. जहाँ इंडिया की करेंसी कम लेवल पर है जॉर्जियन लारी से, 25-26 से लेकर 30 तक जाती है एक लारी, 30 रुपीज़ पर लारी. वहीं एल्युमिनियम द्राम्स 1 रुपये में 7 दरम्स आ सकते हैं. तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है इकोनॉमी वाइज. तो अब बात करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या था. बेसिकली वहाँ पे जितने बच्चे एक्सपेक्टेड थे जाने, जिसकी वजह से शायद वो यूनिवर्सिटी चल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि यूनिवर्सिटी चल नहीं पाई और प्रॉपर वहाँ पे फैकल्टीज प्रोवाइड नहीं हो पाई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया उतने तरीके से, लैब्स वगैरह तो वहाँ पे थी ही नहीं. तो बच्चे करते क्या थे, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि वो लोग वहाँ पे जाते थे सुबह और अटेंडेंस लगाते थे एंड दैट्स इट, कोई पढ़ाई नहीं होती थी. तो हाउ टू अवॉइड सच काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हाउ टू अवॉइड मैनी मोर सेंट थेरेसास टू कम. इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं किसी भी सेंट थेरेसा टाइप की यूनिवर्सिटी को. मैं आपको बता दूं कि आपको चेक करना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में लोकल्स पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर दूसरी कंट्री के बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे ऑलरेडी. जहाँ तक आप देखें कि सेंट थेरेसा 1995 की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, मतलब मेडिसिन शुरू कर देते उन्होंने 1995 में, यानी कि पुरानी यूनिवर्सिटी थी. तो उसको देख के काफ़ी बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या वो रनिंग है, ऑपरेशनल है, ये सारे फैक्टर्स. दूसरी चीज़ एक बहुत गलत चीज़ है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, जो एक बार चले जाते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फिर वो उसके नेगेटिव्स नहीं बताते. ये एक चीज़ है जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए. अगर आपके साथ कुछ हुआ है, अगर आप एक गलत यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और आपको लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो आपको बोलना चाहिए और दूसरे बच्चों को उस चीज़ में फंसने से बचाना चाहिए. तीसरी चीज़, टाइम सेविंग के लिए बहुत बच्चे भागते हैं. जहाँ 5 साल का कोर्स है, आप डेफिनेटली 1 साल शायद बचा लेंगे एक 5 साल की यूनिवर्सिटी की तरफ जाने की वजह से, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि क्वालिटी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो इंडिया में जो एग्ज़ाम है उसे पास करने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी. और जो टाइम आपने सेव किया है उस टाइम की वैल्यू तभी है अगर आप इंडिया में आके फर्स्ट अटैम्प में MCI क्लियर करें, FMG क्लियर करें या नेक्स्ट क्लियर करें. अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, आपका 1 या 2 अटैम्प लग जाते हैं उसे क्लियर करने में, तो आपका वो जो 1 साल आपने बचाया उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूक्रेन
में जो क्रॉक वन और क्रॉक टू एग्ज़ाम होता है, काफ़ी बच्चे आर्मेनिया में वो बच्चे हैं जो क्रॉक वन यानी कि जो थर्ड ईयर के बाद एग्ज़ाम होता है उसे क्लियर नहीं कर पाते। क्रॉक वन अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको एक चांस और मिलता है उसको री अटैम्प्ट करने के। अगर वो भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको थर्ड ईयर रिपीट करना पड़ता है। ये क्वालिटी मेंटेन करने के लिए या स्टैंडर्ड मेंटेन के लिए होती है चीज़ें। काफ़ी बच्चे उस एक साल जो लगाते हैं एक्स्ट्रा उसको ना करना पड़े, इस वजह से वो आर्मेनिया में काफ़ी बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया था। लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, उन बच्चों का एक साल वहाँ टोटल वेस्ट हुआ है, वहाँ से उन्हें कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं अवेलेबल हो पा रही है प्रॉपर, जिसकी वजह से वो कहीं ट्रांसफ़र ले पाए। मुझे बच्चों ने साफ बोला कि उनका एक साल वेस्ट हो गया। देखिए, MBBS एक बहुत ही टफ कॉल है और आपने वो टफ कॉल लिया है, तो आप किसी भी शॉर्टकट्स की तरफ जाके उसको आप ये सोचे कि हाँ आप इसे निपटा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी ना कभी आपकी जो आपने इनकॉम्पिटेंट रहे हैं आप, वो आपके सामने आएगा और आपको फेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मेरी एडवाइस सारे बच्चों से कि आप पढ़ाई, जो आपको 5-6 साल की पढ़ाई है उसे प्रॉपरली करिए, उसको मिस मत करें, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र ले लेना और ये सब होना ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। देखिए, कोई अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र लेती नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसफ़र लेती है लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन की वजह से आपको कम क्रेडिट्स वो लोग देते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं मैम मैक्सिमम क्रेडिट्स हमें चाहिए, मैम जो यूनिवर्सिटी मैक्सिमम क्रेडिट्स देगी वहीं पर चले जाएंगे। ये थोड़ा सा मतलब आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो प्रेशर आपके दिमाग में, नहीं मेरे टाइम बचना चाहिए टाइम बचना चाहिए, रेस अगेंस्ट टाइम जो है वो यहाँ पे इंडिया में आके जो रेस अगेंस्ट टाइम है वो आपका अलग एक रेस चलेगा। तो मेक श्योर करिए कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो आपकी पढ़ाई प्रॉपरली हो रही है, किसी ऐसी कंट्री या यूनिवर्सिटी को ना चुने जहाँ पे आपकी पढ़ाई ना हो पाए, बिकॉज इसके रेपरकशंस कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बेकार होते हैं। एट दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिस भी कंट्री में आप जाने का डिसीजन लेते हैं, आप देखभाल का डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र की बात आती है तब आप क्यों नहीं सब चीज़ें चेक करते हैं? आप बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये सब चेक करना कि यूनिवर्सिटी में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यूनिवर्सिटी अच्छी है, फैकल्टी वाइज अच्छी है या नहीं, और वहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं और कितनी कंट्री से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पढ़ने। अगर सिर्फ इंडियंस हैं डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। बाकी जो कंसर्न फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, किसी पर्टिकुलर कंट्री या यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने से पहले अपनी थॉरो रिसर्च करिए और स्टूडेंट्स को तभी बताइए जब आपको पूरा विश्वास है कि इस यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन एट दी मोमेंट आपको जो लगता है कि ये सही है या गलत है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए, बिकॉज आप उनके मेंटोर हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स को सही राह दिखाएं। आई होप इस वीडियो का जो मेरा मकसद है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना हो सके रिसर्च करिए, अब ये आपके करियर का सवाल है। अगर ऐसी नौबत आपकी नहीं आई अभी तक तो अच्छे से पढ़िए, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपना एडमिशन किया है उसमें अच्छे से पढ़ाई करके आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।